नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी और आपको सीधा इंदौर से तस्वीरें दिखाते हैं। रंग पंचमी की धूम देखने को मिल रही है इंदौर के राजवाड़ा में। लोग घरों से निकलकर सड़कों में रंग पंचमी के रंग में रंगते नजर आ रहे हैं। रंग पंचमी पर गेर का निकलना शुरू हो गया है। लोग भगवान की पालकी लेकर राजवाड़ा पहुंच गए हैं। इसके साथ ही बता इंदौर से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रंग पंचमी का ये मौका और गेर निकाली जा रही है। पूरा इंदौर रंग में रंगा नजर आ रहा है। रंगों की बौछार हो रही है और चारों तरफ उत्साह का माहौल है। हर कोई रंग में रंगा हुआ है, उत्साह का माहौल। और देखिए जरा कैसे अलग अलग मुखौटे लगाकर भी लोग खूब रंग पंचमी का आनंद उठा रहे हैं। बेहद ही खास ये गेर जो इंदौर में निकाली जा रही है और इसे यूनेस्को में भी शामिल करवाने के लिए लगातार आयोजकों की कोशिश रहती है, क्योंकि बेहद ही खास, बेहद ही अलग और उत्साह उमंग से भरपूर ये गेर निकाली जाती है। लाखों की संख्या में लोग इंदौर में रंग पंचमी मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं और इस बार की संख्या 4 से 5 लाख लोगों के होने की संभावना है। रंगों की मिसाइलें, रंगों की तोपें और इन्हीं से रंगों की बौछार। इंदौर से सीधे दिखा रहे हैं। देखिए जरा चारों तरफ हवा में उड़ता रंग गुलाल और कोई हर कोई इससे सराबोर है। परंपराएं भी है इसके पीछे कि भगवान विष्णु ने जिस तरीके से अलग अलग स्वरूपों में, अलग अलग रंगों में वो धरती पर अलग अलग रूपों में नजर आए और रंग पंचमी के जरिए से ये माना जाता है कि रंग को हवा में उड़ाया जाता है, भगवान तक पहुंचता है और उसके बाद फिर भगवान उसी रंग को जैसे ही वो लोगों के ऊपर गिरता है तो लोग इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। रंग पंचमी के रंग आप न्यूज स्टेट के संग देख रहे हैं। इंदौर की ये बेहद मनमोहक तस्वीरें हैं। चारों तरफ उत्साह उमंग का माहौल है। तोपों से फूल बरस रहे हैं तो साथ ही रंगों की बौछार भी देखने को मिल रही है। और अभी तो जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है रंग पंचमी के पर और ज्यादा परवान चढ़ रहा है। तकरीबन 1 बजे तक राजवाड़ा पर भारी भीड़ देखने को मिलेगी। हर कोई धीरे धीरे करके पहुंच रहा है और जरा इन तस्वीरों को देखिए, हर तरफ रंगी रंग नजर आ रहे हैं। हर कोई इन रंगों में रंगा नजर आ रहा है। रंग पंचमी पर तोपों से फूल बरस रहे हैं।
स्कूटर की आवाजें, लोग बेहद उत्साहित, चारों तरफ से रंग उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रंग पंचमी का ये खास मौका जो हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। मालवा निवाड़ में मनाया जाने वाला ये रंग पंचमी, हालांकि कोविड की वजह से बीते 3 सालों से इसका आयोजन नहीं हो सका था, 3 साल बाद एक बार फिर से जब ये आयोजित किया जा रहा है तो हर कोई उत्साहित नजर आ रहा है। बेहद अलग तरीके की ये तस्वीरें हैं। होलिका दहन से होली की शुरुआत होती है और इसे मालवा निवाड़ में रंग पंचमी तक खास तरीके से मनाया जाता है। परंपरा का निर्वहन होता हुआ नजर आता है। धूमधाम से रंग पंचमी का यह त्योहार मनाया जा रहा है। तोपों से फूलों की बारिश और जो परंपरा होलकर वंश से चली आ रही है उसका आज भी लोग बेहद उत्साहित तरीके से निर्वहन करते हैं। रंग पंचमी का यह त्यौहार बहुत ही धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है। चारों तरफ जन सैलाब उमड़ा हुआ है, हर कोई रंग पंचमी के मौके पर रंगों में रंगा नजर आ रहा है। इंदौर के राजवाड़ा से रंग पंचमी की ऐतिहासिक गेर निकल रही है और इस बार रंग पंचमी पर निकलने वाली ये गेर बहुत मायनों में खास है। क्योंकि कोविड के बाद 3 साल बाद इस बार पूरी तरह से खुलकर ये त्यौहार मनाया जा रहा है। साथ ही गेर को यूनेस्को में शामिल करने की कोशिश भी है और इसी के चलते आयोजक पूरी ताकत झोंक रहे हैं। पहले के मुकाबले इस बार गेर में वाहनों की संख्या और जनता की आवक भी बहुत अधिक देखने को मिल रही है। तकरीबन 5 लाख लोगों के इस गेर में शामिल होने की संभावना जताई गई है और इस बार ये कई तरह के दृश्य हैं जो पहली बार नजर आ रहे हैं। तोपों से फूल बरस रहे हैं, मिसाइलों से रंगों की बौछार हो रही है। तो टेसू के फूलों से बनाए गए गुलाल से जगह जगह स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है।
तो इस बार गेर में बरसाना की टीम लठ मार होरी खेलते हुए भी चलेगी। वही भगवान राधा कृष्ण की जोड़ी भी रास रंग करती हुई नजर आ रही है। बांके बिहारी का ढोल भी मुख्य आकर्षण का केंद्र है। अलग अलग संस्थाओं की तरफ से, क्लबों की तरफ से इसमें शामिल हुआ जाता है। टोरी कॉर्नर, संस्था सृजन, मॉरल क्लब, हिंद रक्षक, रसिया कॉर्नर, ये तमाम उस तरह की संस्थाएं हैं जो इसका आयोजन करती हैं और सबके तरफ से अलग अलग विशेष तरीके का इंतजाम किए गए हैं। देखिए चारों तरफ आपको रंग गुलाल की तस्वीरें नजर आ रही हैं। अलग अलग जगहों पर रंग पंचमी का ये त्योहार इंदौर में बेहद ही धूमधाम तरीके से मनाया जा रहा है और ये उत्साह उमंग बता रहा है कि आज का दिन कितना खास है। मालवा निवाड़ में इस त्योहार को बहुत धूमधाम तरीके से मनाया जाता है। इंदौर में रंग पंचमी का रंग पूरी तरीके से चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चारों तरफ उत्साह है। कॉलोनियों और गली मोहल्लों में लोग एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं। मैं सुबह से ही राजवाड़ा पर बड़ी संख्या में होरियारों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू है। लगातार लोग पहुंच रहे हैं गेर में शामिल होने के लिए। लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है और इस बार डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन यानी कि बिग बी भी इस गेर का हिस्सा बने हैं। नगर निगम की भी गेर निकाली जा रही है जिसमें मेयर पुष्यमित्र भार्गव भी शामिल हैं। वहीं सराफा बाजार और गोपाल मंदिर के आसपास भी लोग रंग पंचमी में रंगों से खेलते हुए नजर आ रहे हैं। टोरी कॉर्नर से गेर का निकलना शुरू हुआ। जरा तस्वीरें देखिए, ड्रोन के जरिए से भी हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बेहद ही उत्साहित, रोमांचित करने वाली तस्वीरें। चारों तरफ अलग अलग रंगों में रंगे लोग ही नजर आ रहे हैं और भीड़ देखिए, जन सैलाब देखिए। चारों तरफ लोग ही लोग नजर आ रहे हैं। हर कोई रंग पंचमी के मौके पर रंगों में रंगा नजर आ रहा है। अलग अलग संस्थाओं की तरफ से, समितियों की तरफ से इसका आयोजन किया जाता है। टोरी कॉर्नर से गेर का निकलना शुरू हुआ तो नगर निगम की गेर में इस बार लोगों पर पानी की बौछारें डाली जा रही हैं, जो तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। वहीं पिचकारी से रंग मिला पानी भी लोगों पर डाला जा रहा है। निगम की गेर में महापौर सहित अन्य पार्षद और बीजेपी नेता ट्रैक्टर में बैठकर लगातार आगे बढ़ रहे हैं। गेर में मिसाइलों में रंग भरकर लोग रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। जगह जगह स्वागत भी किया जा रहा है तो महिलाएं बच्चे भी इस गेर में शामिल हो रहे हैं। डीजे की बजती धुन और इस पर युवक युवतियां नहीं, बुजुर्ग भी जमकर डांस कर रहे हैं। वहीं टोरी कॉर्नर की तरफ से इस बार
रंगोत्सव के मौके पर रंगपंचमी महोत्सव समिति टोरी कॉर्नर की तरफ से डुप्लीकेट अमिताभ बच्चन भी गेयर में शामिल हुए हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठकर सभी का अभिवादन कर रहे हैं, तो इसके साथ ही महिलाएं और सभी लोग सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। कहीं तोपों से रंगों की बौछार की जा रही है तो कहीं मिसाइलों से रंग मिले पानी की बौछार हो रही है। एक बार में ही मिसाइलों के जरिए से, तोपों के जरिए से 50 किलो से ज्यादा गुलाल भरकर उड़ाया जा रहा है। और न सिर्फ यहाँ के लोग बल्कि अलग अलग जगह के लोग भी, देश भर से लोग भी इसमें शामिल होने के लिए पहुंचते हैं और विदेशी लोग भी रंगपंचमी के मौके पर इस गेयर में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। विदेशों से पर्यटक भी इसमें शामिल होते हैं। इंदौर वैसे ही स्वच्छता की बात हो या तमाम पहलू, जिसमें अव्वल नजर आता है। और आज के दिन इस शहर में चारों तरफ रंग गुलाल उड़ता नजर आ रहा है।